हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आलू का तवा पकौड़ा बनाने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। ये बहुत कम तेल में बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम आलू तवा पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। आलू तवा पकौड़ा बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है आलू। इसे हमने कुकर में 2 सीटी में बॉयल करके छिलके हटा लिए हैं। बेसन 1 कटोरी, रवा 1/2 कटोरी, धनिया पत्ता कटा हुआ, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, 1 हरी मिर्च को हमने काट लिया है, अमचूर पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, ब्लैक पेपर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, फ्राई के लिए तेल। तो सबसे पहले हम पकौड़े का घोल तैयार करेंगे। तो हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे बेसन और साथ में हम डालेंगे रवा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई ब्लैक पेपर, 1 चम्मच हम अमचूर पाउडर डालेंगे जिससे ये चटपटा होगा, और हम डालेंगे नमक। तो नमक हम अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे और सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको पानी डाल के एक बढ़िया सा बेटर बनाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगा, बेसन में अपना लम्स नहीं पड़ेगा। हम एक साथ में पानी नहीं डालेंगे जिससे हमें फेंटने में आसानी रहेगी। तो आप ऐसे बेटर को 1 से 2 मिनट तक फेंट लीजिए। इससे क्या होगा, बेसन की सारी गुठलियां जो है वो अच्छा सा स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो अभी घोल ज्यादा गाढ़ा है, इसमें हम 2 चम्मच और पानी डालेंगे। तो जैसे हम फ्राई पकौड़ा का पेस्ट बनाते हैं वैसे ही हम ये तवा पकौड़ा का भी पेस्ट बनाएंगे और इसे बराबर मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च थोड़ा कम कर दीजिए। अभी भी अपना वेटर जो है वो गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। पकौड़े का घोल तैयार है। इसे हम 10 मिनट तक फूलने के लिए छोड़ देंगे, इससे इसकी थिकनेस और बढ़ जाएगी। तो जब तक अपना घोल फूल रहा है तब तक हम आलू को काट लेंगे। तो हम एक नाइफ के सहारे आलू को आराम से पतले पतले पीसेस में काटेंगे, क्योंकि ये अपना उबला हुआ आलू है, इसे हमें तवे पे फ्राई करना है। तो अब ध्यान से देखिए, हमारी आलू की थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम मोटे मोटे आलू के पीसेस काट लेंगे। आलू को हमने काट लिया है, अब हम इसे एक बड़ा सा प्लेट में फैला देंगे। तो हम एक एक आलू को ऐसे फैला देंगे।
आलू को हमने फैला लिया है, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल कर लेंगे। इससे क्या होगा, अंदर से आलू जो है अपनी चटपटी बनेगी। तो तीखा कम खाना है तो थोड़ा कम मिर्च फैलाइए, और तीखा ज्यादा लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा फैलाइए। फिर हम ब्लैक पेपर को भी ऐसे ही स्प्रिंकल कर लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट को भी हम ऐसे ही छिड़क लेंगे, और साथ में हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे क्योंकि इसी से तो स्वाद बढ़ता है। तो सारे मिक्सर को हमने फैला लिया है। अब जो नीचे गिरा है उसे हम ऐसे पीछे से भी कोटिंग करते जाएंगे। तो ऐसे हम उलट पलट के दोनों साइड से कोटिंग कर लेंगे। ध्यान से देखिए, ऊपर का एक्स्ट्रा जो गिरेगा उसे हम नीचे ऐसे निपटा लेंगे। तो सारे आलू में हमने कोटिंग कर लिए हैं। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पे हम एक तावा रख लिए हैं क्योंकि अपना तावा पकौड़ा बनाना है। हम गैस को ऑन कर लेंगे और इस पे बहुत ही कम तेल डालना है हमें, यानी कि 2 से 3 चम्मच ही तेल डालना है, और इसे अच्छे से गरम कर लेना है। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम बेटर को चेक करेंगे। तो ये अपना बेटर फूल चुका है, इसमें हमें 1/4 चम्मच हमें बेकिंग सोडा डालना है और इसे अच्छे से बीट कर लेना है। यही इसका लास्ट प्रोसेस है। तो इसे हमें अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। तो ये अपना बेटर तैयार है। अब हम एक-एक पकौड़े को इसमें डीप करेंगे। डीप करते टाइम हम एकदम सावधानी बरतेंगे कि दोनों साइड से बेसन लिपट जाए, और गरम तेल पे हम ले चलेंगे इसे। तो हम इसे धीरे से ऐसे छोड़ देंगे। आप ध्यान से देखिए, चारों तरफ से बेसन की कोटिंग हो चुकी है। तो ऐसे ही हम दूसरे पकौड़े को भी साइड में डाल देंगे। ऐसे हम कोटिंग करेंगे और सावधानी से यहाँ डाल देंगे। तो एक बार में हम 3 से 4 पकौड़ा डालेंगे और इसे हमें उलट पलट के सेक लेना है। तो इसके लिए हम एक पॉइंटेड स्पैचुला लेंगे जिसका पॉइंट शार्प हो, और इसे हम ऐसे इसे अच्छे से उलट लेंगे। तो इसे उलटते टाइम सावधानी रखिएगा क्योंकि इधर भी अपना घोल गीला है। तो हम ऐसे आराम से इसे उलट देंगे, ऐसे ध्यान से हम इसे उलटेंगे। और दूसरे साइड से हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। एक साइड से हमें 1 से 2 मिनट लगता है सिकने में। अब हम पकौड़े को फिर से टर्न करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है। तो हम सारे पकौड़े को ऐसे टर्न कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अपना तवा पकौड़ा का कलर ब्राउन हो गया है। ये ऊपर से कैसे आवाज आ रहा है, यानी कि ऊपर से क्रिस्पी हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक स्पेचुला के सहारे हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे हम एक एक पकौड़े को आराम आराम से प्लेट में निकाल लेंगे। आलू तावा पकौड़ा बनकर तैयार है। इसे आप टी टाइम पे या कभी भी स्नैक्स में जब खाने का मन हो बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला रेसिपी है और बड़ा ही टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।